हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे कंपनी में दो मशीन में प्रॉब्लम आ गया, दोनों मशीन में रन आउट आ गया है। तो इसको आज हम लोग ठीक करेंगे। देखिए, पूरा मटेरियल बन रहा था, इसका बीच बीच में किसी एक में रन आउट आ जा रहा है। देखिए, इसमें आपको अच्छा से नहीं दिखता होगा, हम आपको मशीन में ले चलते हैं, उसमें दिखाते हैं। उसमें डायल बांध दिए हैं, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसमें डायल लगा दिए हैं। डायल में आप देखिए कितना रन आउट आ रहा है। देखिए, 0.25 के लगभग आ रहा है, जबकि इतना नहीं आना चाहिए। अब हम आपको मशीन स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए देखिए, 0.25 आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए। हम लोग को मैक्सिमम दिया 0.1 तक ही चलेगा, तो 0.2 आ जाएगा तो नहीं चलेगा, ये मटेरियल रिजेक्ट हो गया है, तो इसको ठीक करना होगा। यहाँ पर आप देखिए, जहाँ उंगली दिखा रहे हैं हम अपना, देखिए कट का निशान भी आप देख सकते हैं, कहीं आगे कहीं पीछे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहीं कहीं आगे कहीं पीछे दिखाई दे रहा है, तो इसको ठीक करेंगे। और एक मशीन है, उसमें भी दिखाएंगे आपको, दोनों मशीन में आपको दिखाएंगे ठीक करके कैसे ठीक करना है। इसको देखिए, पूरा देख लिया है। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जॉब में बोर करना पड़ेगा, कट लगाना बोलता है, कोई बोलता है बोर करना, हम लोग यहाँ पर गुटका में बोर करना बोलते हैं, कहीं कहीं जॉ में कट लगाना बोलता है। इसको हम कट लगा के दिखाएंगे। आज जो इसमें क्या है कि आपको रन आउट आने का क्या कारण होता है, इसका अंदर में कभी कभी चिप्स रह जाता है और हम लोग मटेरियल लगा देते हैं तो उसमें दब जाता है, क्योंकि तो सॉफ्ट जो होता है तो जो हम लोग को ख़राब हो जाता है, इसी चलते इसमें आता है रन आउट। रन आउट को ठीक करना बहुत आसान है, हम आप लोग को दिखाएंगे कैसे करना है। देखिए, इसको हम लोग खोल लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको कैसे करना है। देखिए, इसमें क्या है, एक तो आपको छोटा सा कोई भी कंपोनेंट जिसका बोर बड़ा है इसमें दे दीजिए, ताकि आपको बोर कर सकते हैं उसका अंदर में। 62 टाइप का हम लोग लगाते हैं इसमें। इसका जो गुटका है, देखिए हल्का प्ले हो गया, जो प्ले हो गया, इसमें उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। हम आपको दूसरा मशीन में ले चलते हैं जिसमें और प्रॉब्लम आया है। ये देखिए, इस मशीन में पूरा मटेरियल मेरा देख रिजेक्ट हो गया, रात में नया बंदा था चला दिया, पूरा रन आउट आ गया इसमें। इसमें देखिए, हम दिखाते हैं आपको। देखिए, गुटका जो मेरा जो है कितना ज़्यादा प्ले है, देखिए दिखता होगा आप लोगों से, इतना ज़्यादा अगर प्ले रहेगा तो रन आउट आएगा, नहीं आता, हम लोग कट लगा देंगे तो फिर नहीं आएगा। तो इसका भी दिखाएंगे करके, उसमें भी दिखाएंगे आपको। तो हम पहले अपना जो मशीन दिखा रहे थे, देखिए उसका अंदर में क्या करना होगा, कि मशीनिंग किया हुआ जॉब छोटा सा उसका अंदर में डाल देंगे, फिर क्लेम करेंगे, फिर आपको कट लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसका दूसरा उपाय करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, अब अपना मशीन में लाए हैं, दिखाएं आपको। ये देखिए, बासर पतला हम लोग दे दिए हैं, इससे क्या होता है, चारों तरफ पकड़ बनाता है मजबूत, जब प्रेशर बनता है इसमें तो क्या होता है, चारों तरफ से गुटका आपको प्रेशर बना कर रखता है। अगर नहीं देंगे तो गुटका प्ले है तो क्या होगा, घूमेगा तो गुटका हिलेगा, आगे पीछे होगा, तो कट लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा। इसमें देखिए, आपको 10 रखना है प्रेशर, क्योंकि पतला बासर है, नहीं तो दब जाएगा, ज़्यादा रखेंगे तो कभी कभी दब जाता है, गलती से हम लोग प्रेशर कम नहीं करते हैं। तो इसमें अच्छा से बैठा कर देख लेना है, इस तरह से लगा के फिर इसमें कट लगाना है। हालांकि कट लगाते हुए नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, पूरा चीज़ बार बार खींची दिखाना अच्छा नहीं। देखिए, इस तरह से हम लोग कट लगाएंगे, लेकिन पूरा चीज़ नहीं दिखाएंगे, बता दे रहे हैं। इस तरह से आपको जो आपको बराबर कर लेना है सब जगह से, और फिर कट लगाना, लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे, वैसे बोलिएगा खींची बार बार आप लोग दिखाते रहते हैं। तो देखिए, जॉब बन गया है मेरा, अब देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, जो कट लगा है आपका निशान, देखिए पूरा सीधा दिखेगा, उसमें क्या आगे पीछे दिख रहा था। इसमें डायल में भी देखिए, 50 माइक्रोन तक ही आ रहा है लगभग, 50 माइक्रोन, देखिए घुमा देते हैं आपको, देखिए 50 माइक्रोन तक है, इतना चल जाएगा, क्योंकि 0.1 तक मांगता है तो इतना चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का रेडी हो गया है, देखिए 50 माइक्रोन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगला मशीन में हम दिखाएंगे कैसे करना, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, उसको हम दिखाएंगे, तो फिर चलते हैं अगला मशीन में, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे शुरू में कि मेरा दो मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है, एक ठो में तो आप लोगों को दिखा दिए, ये दूसरा मशीन का है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ से देखिए, अब चेक करके वर्नियर से दिखा देते हैं आपको। देखिए 18.79 कहीं आ रहा है, कहीं 18.72 आ रहा है, कहीं 18.91 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा हम लोग को, रन आउट नहीं आना चाहिए। रन आउट आपको 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन तक ही चलेगा। तो इस देखिए, इसमें 18.74 आ जा रहा है, कहीं 91 आ जा रहा है, तो नया बंदा था, एक रात में चला दिए हैं, प्रॉब्लम हो गया है। इससे होने से क्या होगा कि हम लोग को मटेरियल वापस आ जाएगा। ये देखिए, नया बंदा है, कैमरा दिखाने लगा, इससे हो भी नहीं पा रहा, ठीक से दिखा नहीं पा रहा, बोलता हाँ हो गया हो गया, नया लड़का है। देखिए 18.80, आपको हम स्नैप गेज में इसको दिखाते हैं। देखिए स्नैप गेज में क्या होगा कि एक तरफ से
गो में पार होगा, नो गो में नहीं जाएगा। लेकिन उसी मटेरियल को घुमा के जब हम स्नैप गेज में चेक करेंगे तो क्या होगा कि नो गो में भी पार हो जा रहा है, देखिए गो नो गो दोनों पार हो जा रहा है। तो इस तरह से मटेरियल नहीं चलेगा। हमने इसमें बोर कर दिए हैं, चक में कट लगा दिए, फिर भी नहीं, जो में कट लगाए हैं फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो इसको क्या करना होगा, अब इसको ठीक करने के एक ही उपाय है कि चक को आपको ग्रीसिंग करना होगा। फिर चक ग्रीसिंग करने के बाद फिर से जो लगाएंगे, फिर से कट लगाएंगे, फिर आपको मटेरियल बना के हम दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं आपको चक खोल कर। दोस्तों देखिए लोग मेंटेनेंस वाले आ गए हैं, इन्होंने चक खोल दिए हैं। चक को खोल के पूरा पार्ट्स इससे निकालेंगे, फिर इसको ये लोग सफाई करें। देखिए इसी मशीन का है, चक खोल के नीचे रखे हैं, यहाँ से लोग खोल रहे हैं, कुछ पार्ट्स खोल गया, पूरा पार्ट्स खोल करके ये लोग फिर आपको सफाई करेंगे डीजल से, डीजल तेल से। दोस्तों क्या है कि चक को ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए डीजल तेल डाल रहे हैं, 1 लीटर तेल लाए, इसमें पूरा डालें, पूरा बढ़िया से साफ़ करेंगे, ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे, पूरा जितना भी जंग है उसको हटाएंगे। क्या होता है कि जंग लग जाता है हम लोग को कभी कभी, हम लोग क्या करते हैं कि कम ऑयल डालते हैं कटिंग ऑयल और उसी में चला देते हैं। तो इस तरह से पूरा होता है, देखिए पूरा सफाई हो गया, बढ़िया से साफ़ सुथरा कर दिया। लोग मेंटेनेंस का आदमी है, ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो मत बनाओ, ये लोग गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चुपके से बना लिए इसका वीडियो, ठीक है दोस्तों आप लोग को दिखाने के लिए रन आउट को कैसे ठीक करना है। ये देखिए ग्रीसिंग कर रहे हैं, देखिए हंस भी रहे हैं, वीडियो आखिर में बना ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीसिंग आपको करना है, महीना में एक बार जरूर करना, नहीं तो रन आउट का समस्या रहेगा। ये देखिए अब सेटिंग कर रहे हैं, देखिए सेटिंग हो गया पूरा, इसमें चक लगा दिए हैं। अब आपको इसमें प्रोडक्शन होगा वो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी इसमें प्रोडक्शन चालू हो गया, आपको जो दिखाए थे इसमें रन आउट आ रहा था, क्यों आ रहा था इसमें दिखाए कैसे ठीक हुआ इसमें बता दिया आपको कि चक्का को ग्रीसिंग करना पड़ेगी। आप हमारा जो ऑपरेटर है इनसे मिलते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। अभी आप बताइए अभी कैसा चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पहले क्या हो रहा था? पार हो जा रहा था मॉल। दिखाइए पहले क्या हो रहा था, ये देखिए रन आउट आ रहा था एक तरफ से पूरा, नो गो पार हो जा रहा था। दिखाइए घुमा के इसको दिखाइए, चेक करिए, देखिए ऐसे हो रहा था, एक तरफ से पार हो जा रहा था, एक तरफ से नहीं हो रहा था, लोगों को भी पार हो जा रहा था। अभी वाला माल दिखाइए, अभी वाला कैसे चल रहा है? अभी वाला बढ़िया चल रहा है। देखिए अभी वाला इतना प्रोडक्शन हो गया मेरा, अभी देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो रनआउट को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप करना पड़ता है सारा चीज़ आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए इस तरह से रनआउट को दूर किया जाता है। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, इनसे थोड़ा मिल लेते हैं। आप कितना दिन से काम कर रहे हैं बोलिए तो? एक महीना हो गया इनका। देखिए सेटिंग कर लेते हैं? कर लेते, पूरा कर लेते हैं। यहाँ एक महीना में नया लड़का ऑपरेटर से लेकर सेटिंग तक कर लेता है, ठीक है। अब हम आप लोग केवल मेरा वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को सारा चीज़ सीखने मिल जाएगा। एक महीना पूरा कंटिन्यू देखिएगा तो पूरा चीज़ सीख जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।